बच्चों, आज हम आपके लिए व्यू को पहचानना, आइसोमेट्रिक चित्र को पहचानना सिखाएंगे। जैसा कि कोई भी व्यू है, आइसोमेट्रिक है, जैसा आपको बता देता हूं, ये आपके पास आइसोमेट्रिक चित्र है और ये इसका फ्रंट है, ये इसकी साइड है, ये टॉप है। कई बार बेटे क्या होता है कि हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो सबसे पहले फ्रंट वाला ये साइड और ये टॉप। देखिए बेटे, कई बार क्या होता है कि इसका अलग अलग पहचान कैसे करते हैं। जैसे फ्रंट है तो हम सबसे पहले इसमें दी गई मैं फ्रंट कौन सा है, तो बेटे इसमें ऑप्शन डालते हैं अपन ए, सी और डी। इसके अनुसार दी गई आइसोमेट्रिक में फ्रंट कौन सा है, तो ए बी सी और डी। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि साइड ये है, फ्रंट ये है, टॉप ये है। हमको सबसे पहले फ्रंट देखना है, तो फ्रंट के अंदर ये हमारा फ्रंट है। फ्रंट के अंदर सबसे पहले हमको आइसोमेट्रिक ये भी इसके अनुसार सही है, ये भी इसके अनुसार सही है। ये क्यों गलत है, ये हम तीनों व्यू को एक आंसर सही बताएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ये जो साइज है, ये हमारा
ये भी है लेकिन ये भी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर ये कटा हुआ भाग है तो इधर फ्रंट से नहीं दिख रहा है, तो ये छिपे हुए भाग को हम हिडन लाइन से दर्शाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी है। इसका करेक्ट आंसर बी है। इसी प्रकार से इसकी जगह फ्रंट की जगह साइड आ जाए कि साइड कौन सा है, तो फ्रंट किस कौन सा है इसमें बी। और जो साइड है वो कौन सा है, तो देखिए साइड के अंदर ये हमारी साइड है, इधर ये ग्रुप कटा हुआ जैसे फ्रंट हमने आपको समझाया, उसी प्रकार से साइड इसमें कौन सी आएगी, सी। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि इसके अंदर टॉप कौन सा है, तो टॉप के अंदर आएगा डी। हमने तीनों व्यू को अलग अलग पहचान की है, इसी प्रकार से आपको यदि पहचान करनी है तो इसी प्रकार से आपको पहचान की जाती है। इसी प्रकार से अगला व्यू हम एक बार दूसरा बताएंगे। दूसरा व्यू है दूसरा व्यू के अंदर पहचान करेंगे इसके अंदर हमने व्यू दिया हुआ है और व्यू की अलग अलग साइज इसे बोलते हैं डायमेंशन है, क्योंकि हम इसका डायमेंशन दे रहे हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यू की पहचान करेंगे।
हमने इसको फ्रंट माना है, इसको साइड और ये टॉप। देखिए बेटा, इसको यदि हम अलग अलग व्यू बनाया जाए एक चीज अलग अलग दे रखी है। हमने सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो हमको सबसे पहले इसमें जांच करनी है कि फ्रंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। अब देखिए पहचान करते हैं अपन। तो सबसे पहले हमको सीट के अंदर फ्रंट कौन सा है वो देखना है। तो बेटा ये जो है ये हमारा फ्रंट दिखेगा, ये जो हमको दिखेगा ये फ्रंट दिखेगा, जो हमारा फ्रंट है वो जो ब्लैक कलर का मैंने डैश किया है वो अपन को फ्रंट दिखेगा। अब देखिए इसमें इस आकृति का कौन सा है जो हम फ्रंट तैयार कर पहचान सकते हैं। तो इसमें जो आकृति का फ्रंट है वो फ्रंट कौन सा है, एफ माने बी, इसमें कौन सा है बी। इसी प्रकार से हम साइड, साइड को हम अंकित करते हैं तो साइड कौन सी है तो साइड को भी अपन अंकित कर देते हैं, जो ब्लू से हम अंकित कर रहे हैं। पहचान करने के लिए हम सबसे पहले ये पहचान की जाए कि इसके अंदर साइड कौन सी है। तो जो ब्लू है, ब्लू कलर का, उसको हम साइड देखते हैं। तो साइड इसके अंदर हम पहचान करेंगे कि साइड कौन सी है। तो साइड हमारे बेटे इसके अंदर कौन सा है, ए। इसी प्रकार से हम
अगला टॉप पहचान करेंगे तो टॉप को हम रेड कलर से अंकित कर देते हैं। यदि आप पहचान करना सीख जाओगे तो आपको सीट खोलने में कोई परेशानी नहीं आएगी। इसी प्रकार से हम टॉप को पहचान करेंगे तो टॉप के अंदर जो है वह है हमारा डी। देखिए जो साइड में हमने ये डॉटेड लाइन दे रखी है तो इसी ग्रुप का जो कटा हुआ है उसी के आधार पर हमने डॉटेड लाइन दी है और उसी के आधार पर हमको ये पहचान की गई है। इसी प्रकार से यदि हमको ये तीनों व्यू आ जाते हैं, ये तीनों व्यू आ जाते हैं, ये हमारा बिल्कुल गलत है तो इसको हम हटा देंगे। इसी प्रकार से हमको हमारे पास तीन व्यू हैं तो देखिए इसकी हम आइसोमेट्रिक बनाना तो कैसे बनाते हैं। उसी प्रकार से हम इसको अलग अलग उसके अंदर पहचानेंगे कि जैसे ये यहाँ से अपन को 50 है तो हमने सबसे पहले यहाँ से 30 डिग्री में लिया और 50 की साइड हमने सेट स्क्वायरों से, मैंने आपको पिछली उसमें भी बताया था कि सेट स्क्वायर इस प्रकार से 45 डिग्री का कोण होता है, इसमें भी 45 डिग्री का और ये 90 डिग्री का कोण होता है। एक जो होता है इस प्रकार से ये 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 90 डिग्री का कोण माना जाता है, यानी होता है आईएस के अनुसार। तो ये देखिए सबसे पहले हमको ये लेना है तो इसका जो ये कोण होता है वही इसी प्रकार से हम सबसे पहले वो 30 डिग्री ये हम लेंगे जैसे इसमें दी हुई है, उसके बाद में ये 90 डिग्री है, ये हम 90 डिग्री लेंगे बेटा। उसी के अनुसार जो साइड है वो फ्रंट है तो हमारा फ्रंट भी है वही 30 डिग्री में लेंगे इसको भी, और ये कह रहा है कि ये 90 डिग्री इधर भी है और इधर भी है, इसी प्रकार से हम इधर दोनों साइड ले लेंगे। इसी प्रकार से हम ये कह रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक 25 है तो ये हमने 25 ले दिया, दोनों ग्रुप काट दिए, एक ये काट दिया अलग अलग। इसी प्रकार से ये कह रहा है कि ये कितना है 25 तो ये हम 25 चले, और ये कितना है 15, ये ग्रुप कितना है 15 क्योंकि हमको डॉटम लाइन दिखा रही है, यानी ये बता रहा है कि ये 15 है अंदर। इसी प्रकार से हम फिर वही 90 डिग्री में लेंगे, वो कितना है ये 25 है तो ये हमने 25 ले दिया, और इसी प्रकार से दोनों साइड से 25-25 हैं। इसी प्रकार से इसमें जो ग्रुप कटा हुआ है ये कितना है 10 का है तो हमने ये 10 नीचे ले दिया और साइड में भी ले दिया क्योंकि ये हमको हिडन लाइन 10 की दिखा रही है, कितनी दिखा रही है 10 की, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से आइसोमेट्रिक चित्र बनता है। धन्यवाद।